हेलो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो इन दिस चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ ठीक है यहाँ पे तकरीबन 300 हंड्रेड हैं क्यूज है थ्री हंड्रेड एम सी क्यू तो इसको हम रैपिड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वक्त जाया ना हो ठीक है आपको कुछ नहीं करना है आपको अपनी सीट पे बैठ जाना है और जो भी मैं यहाँ से बोलू वो सिर्फ सुनते रहना है ठीक है और मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर दोनों में यहाँ से पढ़ूंगा आपको सिर्फ सुनना है और याद रखने की कोशिश करनी है आपको ठीक तो है वन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी फॉर सिविल इंजीनियर इज टू तो ए अनेबल देम टू नो हाउ टू स्टॉक प्रोपरली द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कॉन्क्रीट

एग्रीगेट साइज एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट सभी चीजों पे 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 करती है है तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा ठीक और इसको हम segregation बोलते हैं जो मास आपको पता होगा कि कॉन्क्रीट में से एग्रीगेट अलग हो जाते हैं इसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं ठीक है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइन एज द इसका आंसर क्या है इज विथ विच इज

Egregation जब हो जाता है तो कंक्रीट में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं तो क्रिएट हो हो सकता है कंक्रीट के लिए पोरस सकते हैं और सरफेस स्केलिंग भी हो सकती है तो यहाँ पे डी हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन हार्शनेस इन कंक्रीट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द मिडल साइज पार्टिकल्स ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी तो क्वेश्चन नंबर टेन इन ऑर्डर टू अवॉइड सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए कॉन्क्रीट शुड नॉट बी थ्रोन फ्रॉम दी अट वो ज्यादा हाइट से कॉन्क्रीट नहीं गिराना चाहिए सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए तो एकदम सही बात है क्वेश्चन नंबर इलेवन इन लाइम कॉन्क्रीट लाइम इज यूज एज अ बाइंडिंग मटीरियल की तरह यूज होता है लाइम कॉन्क्रीट में ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द टाइप ऑफ लाइम यूज इन लाइम कॉन्क्रीट तो लाइम कॉन्क्रीट में कौन सा लाइम यूज होता है हाइड्रोलिक लाइम क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ गुड कॉन्क्रीट हैव मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन एकदम सही बात है ये आंसर क्वेश्चन नंबर लाइम कॉन्क्रीट हैज ब्लैंक स्ट्रेंथ एज अ कंपेयर टू सीमेंट कॉन्क्रीट तो कम होती है उससे स्ट्रेंथ तो लेस हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यूजल प्रपोजन ऑफ इंग्रेडियंट इन प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट तो आपको पता है कि कॉमन uh, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला है. है तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ए आंसर सही बैठता है ए वन पार्ट ऑफ दिमेंट एट पार्ट ऑफ देंड एंड डबल एट सिक्सटीन पार्ट ऑफ दर्स एग्रीगेट

क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर द रेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं टेंसाइल कंप्रेशन एंड स्ट्रेस इज द सी आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको अगर अगले जीएमबी के पेपर में डिस्कस किया था प्योर सीमेंट होता है

प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट को यूज करते हैं ठीक है बाकी हम आर यूज करते हैं रेनफ़ोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट आर नॉर्मल सीमेंट यूज करते हैं ओ पी पीपीसी ऐसे ठीक है OPC, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ठीक है स्टेटमेंट गलत है रॉन्ग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सीमेंट कॉन्क्रीट इन विच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसिस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस बिफोर इट्स एक्चुअल यूज इसको ही कहते प्री प्रीमियम स्ट्रेस सीमेंट सीमेंट कॉन्क्रीट यानी कि पहले से ही हम उसमें आर्टिफिशियल तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंड्यूस कर देते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट कैन टेकअप हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसिस विदाउट डेवलप ऑफ क्रैक सही है बात है करेक्ट आंसर है ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन पर्पज वी सेल यूज तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे एयर एंट्रेप कंक्रीट भी इसका सही आंसर है और सो डस्ट कंक्रीट भी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द सीमेंट कंक्रीट फ्रॉम विच एंट्रेड एयर एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव आफ्टर प्लेसिंग इट इन अ इट्स वैक्यूम कॉन्क्रीट इसको हम वैक्यूम कॉन्क्रीट कहेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द रिमूवल ऑफ एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बाई पंद्रह से बीस परसेंट क्या है यहां पे रिमूव करना है आपको एक्सेस एयर इससे हम सीमेंट की कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ हम पंद्रह से बीस परसेंट तक बढ़ा सकते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट प्रिपेयर बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम इन इट इट्स कॉल्ड सेल्यूर कॉन्क्रीट भी बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे यहाँ पे तो डी आंसर इसका आएगा एनी वन ऑफ दिस ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी सेवन द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर बाई लाइट वेट कॉन्क्रीट कैसे प्रिपेयर होता है तो यूजिंग ऑफ कॉकब्रीज साइंड And or slag as a aggregate in a concrete. B is the correct answer. Question number twenty eight. The sound absorption coefficient of lightweight concrete is nearly the twice than of the ordinary concrete. Dugna hota hai. The A is the correct answer of this particular question. Question number twenty nine. कॉन्क्रीट सुड बी लाइट वेट कॉन्क्रीट हम यहां पर यूज करेंगे पार्टी क्वेश्चन नंबर थर्टीन सीमेंट कॉन्क्रीट इज द इम्परम टू मॉइस्चर इम्परमल होता है मॉइस्चर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा गलत है यहां पर तो ए कॉन्क्रीट कैन बी नॉट बी पम्प ए भी गलत है मैक्सिमम तो क्रीप ए भी गलत है स्ट्रक्चर कैन पुट टू यूज इमीडिएट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ये भी गलत है सभी क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे गलत है यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी जो भी सेंटेंस ऊपर दिए गए वो गलत है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द करेक्टरिस्टिक विच मेक द कॉन्क्रीट अ वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड material of modern construction is a possibility of controlling the property of concrete by using appropriate ingredient, molding the concrete in any desired shape. the complete mechanism, uh, machinization of concrete preparation and its placing process. all of these this. Answer ho jayega. question number 33. the concrete without any reinforcement has the Low हमने पहले भी डिस्कस किया है तो जो स्टील होता है उसमें वो तो क्रिएट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है तो स्टील ही नहीं होगा एनफोर्समेंट नहीं होगा तो उसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी थर्टी फोर द सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आगे भी देखा सेग्रीगेशन होता है तब उसमें से एग्रीगेट्स अलग हो जाते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ कहां से बचेगी भाई तो बी इज सही आंसर मतलब ए सेंटेंस गलत है थर्टी फाइव इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट इज यूजली कॉन्क्रीट के लिए हम कौन से कौन से इंग्रीडियंट यूज करते हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन सीमेंट एग्रीगेट एंड वॉटर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्सबल एडमिक्सर एडेड At the time of preparing the concrete mix is make the concrete highly strong, acid proof, and waterproof. The D is the right answer. 37. The function of aggregates in concrete is to serve as function of aggregate in concrete is serve as a filler material. Filler Iga is cancer B calcareous material used in the manufacture of cement consists of limestone chalk shells, gypsum all of this is the correct answer question number 39 in the manufacture of cement the dry or wet mixture of calcareous and argillaceous material is burnt in a rotary kiln question number 40 In the manufacture of cement, the dry or wet ऑफ सीमेंट द ड्राई और वेट मिक्सचर ऑफ at a temperature कितना टेम्परेचर होता है वहां सो से सोलह सोच सेल्सियस क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आर्जियस मटीरियल कंटेन एल्यूमिनियम एज अर कॉन्टीनेट कॉन्स्टिट्यूंट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इट सही बात है ट्रू अब यहाँ पे आपको प्रपोजन बताने हैं यहाँ पे लाइम कितना होता है इन सीमेंट।, सीमेंट में इस सब के प्रपोजन क्या क्या होते हैं तो लाइम 63 परसेंट होता है सिलिका 22 टू एल्यूमिनिया सिक्स एंड आयरन ऑक्साइड थ्री परसेंट ए इज अवर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द केमिकल इंग्रीडियंट ऑफ सीमेंट विच प्रोवाइड क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट क्विक सीमेंट प्रॉपर्टी किसकी वजह से ही हमें यहाँ पे मिलती है तो आपको पता है कि सी थ्री ए से मिलती है हमें क्विक सेटिंग क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे एल्यूमिना इज अवर राइट आंसर द प्रेजेंस ऑफ लाइम इन सीमेंट मेक द सीमेंट साउंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट इस दोनों हमारे सही आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट फोर जिप्सम हम किस यूज uh, uh, मतलब कि जिप्सम हम ऐड करते हैं सीमेंट में क्यों ऐड करते हैं क्योंकि हमें उसका इनिशियल सेटिंग टाइप को कंट्रोल करना रहता है ठीक है वरना वो जल्दी से सेट हो जाएगा इसकी वजह से

क्वेश्चन नंबर मैग्नेशियम ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड वेन एडेड इन एक्सेस द मेक अनसाउंड इज द करेक्ट आंसर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कलर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू सीमेंट द इंग्रीडियंट यूज एज आयरन ऑक्साइड कलर हार्डनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आयरन ऑक्साइड का यूज होता है इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन एल्यूमिना इन सीमेंट लोअर द क्लिंकर टेम्परेचर गेट्स राइट एग्री फिफ्टी टू आफ्टर द फाइनल ग्राइंडिंग द सीमेंट इज सीव्ड थ्रू आई एस सीव नंबर नाइन नौ नंबर की सीव यूज होती है वहां पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूड टू सॉलिड

Calcium aluminate, dry calcium aluminate, C3S. C3S से क्या होगा यहां पे सिलिकेट यानी टू एस इससे क्या होगा जनरेट द लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेट सीमेंट स्लोली एंड मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक ये आपको अलग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है अगर आप मोर रेजिस्टेंस सल्फेट अटैक से रेजिस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा कॉन्स्टिट्यून आपको काम में रहना पड़ेगा तो आपको सी टू एस उसका सही आंसर हो जाएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉजिंग इनिशियल सेटिंग टाइम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सी थ्री ए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए टिंग फास्ट विद वाटर एंड जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हिट ऑफ हाइड्रेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट इन सीमेंट हैज पुअर सीमेंटिंग वेल्यू सी फोर ए एफ इस तरीके से लिखते हैं टेटरा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट रिजल्ट क्या होगा उसका तो हाईली अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी आपको रेपिड आर्डनिंग मिलेगी और हाई हीट ऑफ जनरेशन होगी क्योंकि सी थ्री ए सी थ्री एस इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होता है तो आपको सब कुछ जल्द मिलने की गुंजाइश है सिक्सटी लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलीकेट मतलब सी थ्री एस कम मात्रा में है और C2S मात्रा में है, तो आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा सी थ्री एस लेट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है मतलब लॉन्ग अवधि की स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और A रैपिड स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है ठीक है तो ये कम मात्रा में है तो आपको रेपिड कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे स्लो आंसर होता तो शायद हमें यहाँ पे कुछ देख आ, कुछ अलग टिक कर पाते मतलब यहाँ पे डी नन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 द फर्स्ट कंपाउंड व्हिच रिएक्ट विथ वाटर व्हेन मिक्स्ड विथ सीमेंट इन ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट राइट आंसर सबसे पहले C3A ही रिएक्ट करता है हम अगले क्वेश्चन में भी ये देख चुके हैं 62 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डेवलप स्ट्रेंथ इन सीमेंट फॉर फर्स्ट 7 डे सही बात है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए सी थ्री एस विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द हाईली अर्ली स्ट्रेंथ इज ऑप्टेन बाय एडिंग सी थ्री एस इन सीमेंट सी टू एस प्रोवाइड गोल्ड अल्टीमेट अल्टीमेट मतलब लॉन्ग स्ट्रेंथ सीमेंट टेट्रा कैल्शियम हैज अ पुअर सीमेंटिंग वेल्यू सब सही है यहाँ पे हम ये चार तीनों तीनों पॉइंट हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 64 द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब C3S C2S और द पोर्टलैंड सीमेंट तो ए 17 से 80% हो जाता है सीमेंट का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सपोज्ड टू सल्फेट्स इन इन द सोइल सही आंसर है एग्री 66 रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू जनरेशन ऑफ हिट रेट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रपोजनल है जो भी गर्मी पैदा होती है रिएक्शन से उसके साथ में सिक्सटी सेवन रेपिड आर्डनिंग सीमेंट इज यूज वेर हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड वेर द फॉर्म वर्क इज टू बी रिमूव इज द अर्लीस्ट पॉसिबल न फॉर द कंस्ट्रक्टिंग रोड पेमेंट ऑल्सो लो हिट सीमेंट इज यूज इन अ थिक स्ट्रक्चर थिक स्ट्रक्चर के लिए लोहिट सीमेंट यूज करते हैं मतलब वहां से क्रैक और यह सब कुछ डेवलप ना हो इसकी वजह से यह सब ध्यान रखा जाता है वहां पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द सीमेंट वाइडली यूज इनटेनिंग वॉल इज लो हिट सीमेंट क्योंकि रिटेनिंग वॉल चौड़ा स्ट्रक्चर होता है और लंबा भी होता है तो वहां पर लो हिट सीमेंट इज अटेबल थिंग क्वेश्चन नंबर सेवन जीरो द ब्लास्ट फर्निस लेक सीमेंट इज यूज फोर तो ब्रिज अमन बैंड डैम्स रिटेनिंग होल वहां पे ब्लास्ट फर्निस लेक सीमेंट का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ब्लास्ट फर्निस लेक सीमेंट कंक्रीट रिक्वायर मोर टाइम फॉर सटरिंग एंड क्यूरिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी लो हिट सीमेंट कंटेन मोर लाइम देन ऑर्डिनरी पोर्टलैन सीमेंट तो ये बात गलत ही है लो हीट सीमेंट लो हीट सीमेंट है तो उसमें लाइम ज्यादा नहीं होगा ठीक है ब्लास्ट फर्नेस लेक सीमेंट डेवलप लो हीट हाइड्रेशन लो हीट ऑफ हाइड्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर थ्री डेज तीन दिनों में सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सी सीमेंट में मिलती है तो कि जिसमें एल्यूमिनिया कंटेंट सबसे ज्यादा होगा वो उसमें ज्यादा अर्ली स्ट्रेंथ आ जाएगी मतलब हाई एल्यूमिनिया सीमेंट में आपको सबसे ज्यादा फास्ट स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी क्वेश्चन ऑफ सी वाटर एंड सीमेंट यूज इज हाई एल्यूमिनिया सीमेंट क्योंकि वहां पे रेपिडली सेटिंग सीमेंट हमें चाहिए जो जल्द से जल्द हार्ड हो जाए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यूजिंग एयर एर सीमेंट गेट रिड्यूस बाय टू परसेंटेज एयर एयर होती है स्ट्रेंथ को दस से पंद्रह परसेंट कटा देती है और कॉलक्रीट इज द कॉमर्शियल टर्म फॉर कलर्ड सीमेंट कलर्ड सीमेंट सेवेंटी एट A pozzolana is essentially a siliceous material containing a clay up to 80%. 79. In the manufacture of pozzolana cement, the amount of pozzolana material added to ordinary Portland cement clinker is about 30%. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज अ पर्टिकुलरली यूज फॉर केनाल लाइनिंग ठीक है केनाल में जो लाइन जो भी पानी बहता है वहाँ पे एसिडिटी एसिड acid की मात्रा कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है तो वहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हमें यूज करना चाहिए तो ये पहला पहला लाइन सही है दूसरा लो इट सीमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर थिन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर

पोजोलोना सीमेंट तो पहले में सी आ जाए जाएगा बी द सीमेंट यूज फॉर केमिकल प्लांट केमिकल प्लांट के लिए कौन सा सीमेंट यूज होता है तो कि हाई एल्यूमिना सीमेंट का हम यूज करते हैं यहाँ पे द सीमेंट नॉट बी यूज इन अ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर थिन आरसी स्ट्रक्चर में हम कौन सा सीमेंट यूज नहीं करेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस लेग सीमेंट वहां पे यूज नहीं करेंगे सीमेंट यूज फॉर द मरीन वर्क मरीन वर्क के लिए बी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे जिसमें सी टू एस की मात्रा ज्यादा रहेगी द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कोल्ड फाइननेस फाइननेस इसका सही आंसर होगा एटी थ्री द हार्डनिंग इज द फिनोमिन बायूविच दिमेंट पेस्ट सेट एंड डेवलप स्ट्रेंथ इसका सही आंसर हो जाएगा सी question number 84 phenomena by virtue of which the cement does not undergo large change in volume when treated with water known as soundness question number 85 the fineness of cement is measured in terms of percentage weight retained on isc9 or surface area इन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम ऑफ सीमेंट दोनों में से कोई भी चलता है यानी कि सी इधर ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू मच ऑफ सीमेंट इट्स ग्रेट हिट एंड रिजल्ट क्रैक इन कॉन्क्रीट डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट

aerated cement its initial setting time is not less than 30 minutes okay d is our right answer question number 89 the compressive strength of an ordinary portland cement one gem three cement mortar cube after seven day test should not be less than seven day ke test ke baad 17.5 न्यूटन पर एमएम पर एम एम उसका स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए और तीन दिन में 11 न्यूटन पर ये आपको याद रखना होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 9090 जीरो नाइनटी एपरेचर्स इज यूज फॉर फॉर्म कंसिस्टेंसी

क्वेश्चन नंबर नाइंटी थ्री लेंथ ऑफ विकाट प्लंजर इन विकार्टरिंग फ्रॉम फोर्टी टू फिफ्टी एम एम लेंथ की बात करें यहाँ पे पहले यहाँ पे पूछा दस एम एम अब लेंथ चालीस से पचास एम एम तक होती है परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर मेकिंग सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंजिस्टेंसी वेरिज फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव इसका सही आंसर हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट वॉटर इज एडेड आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स कैटेलियर एपरेटर्स इज यूज टू परफॉर्म साउंड टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं

तीन परसेंटेज वाटर ऐड करना चाहिए उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर फॉर परफॉर्मिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट साइज ऑफ क्यूब मोल्ड शुड बी 7.06 सेंटीमीटर साइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा है यहाँ पे सीमेंट का पूछा इसलिए यहां पे 7.06 सेंटीमीटर आएगा

The inert material min, inert mineral material used for the manufacture of mortar and concrete. Its answer is aggregate. Inert mineral material aggregate. According to IS383, a good aggregate for con concrete construction should be sufficient strong, chemically inert sufficient hard and durable. D is the right answer here. 106.

एंड एंटरली रिटेन सेवन फाइव सी इसको हम एग्रीगेट की सेवन है एक सौ बारह मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट की मैक्सिम साइज क्या है 4

में में सबसे सबसे कम मिलते हैं। 17, तो ज़्यादा आपको मिलेंगे एक सौ अठारह द साइज ऑफ एग्रीगेट इज डिटर्म बाई लेंथ द रॉन्ग आंसर लेंथ गेज से हम उसकी साइज नहीं डिसाइड करते हैं। सेव एनालिसिस यूज करते हैं हम यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ राउंड राउंडेड सेप रिक्वायर्ड मिनिमम पर मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू मेक गुड गुड कंक्रीट ये सही बात है क्या कहता है सेंटेंस कि राउंडेड सेप के जो एग्रीगेट होते हैं उसमें कम से कम से कम सीमेंट रिक्वायर्ड होता है एक अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए तो एकदम सही बात है क्योंकि उसमें वर्ड्स कम होते हैं

डी इज अवर राइट आंसर एक सौ इक्कीस द एग्रीगेट इज से कब कहा जाएगा द लिस्ट डायमेंशन इज थ्री फिफ्थ मीन डायमेंशन मीन डायमेंशन का थ्री बाय्थ होना चाहिए उसका लिस्ट ठीक है यहाँ पे मैंने शॉर्टेज भी कर दिया है फ्लैकी मतलब आपको याद रखना है थ्री बाय फाइव ठीक है एलोंगेटेड में याद रखना है टाइम्स अगला क्वेश्चन का ही है

तो बस यहाँ पे थ्री बाई फिफ्थ आपको करना है यहाँ पे फोर्टी फाइव का पार्टिकल एग्रीगेट इज सहीटेड इलाटेड में वन पॉइंट एट बोला था ना यहाँ पे तो उसका आंसर यहाँ पे एटी वन होगा तो ये सही आंसर है तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज डिफाइन किस तरीके से डिफाइन करेंगे तो वेट ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट वेट ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट डिवाइडेड एप्सल्यूट वॉल्यूम इंक्लूडिंग द नेचुरल पोर इन द एग्रीगेट पार्टिकल इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं 126 ठीक है 126 सौ क्वेश्चन है किस तरीके से वो यहाँ पे द अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन एग्रीगेट इज एज वेट ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट डिवाइड बाई एप्सल्यूट वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग यहाँ पे आपको नेचुरल पोअर एग्रीगेट एक्सक्लूड करना होगा ऊपर के जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था इंक्लूडिंग था उसको बल्क बोलेंगे एक्सक्लूड हो जाएगा तो अपेरेंट बोलेंगे ठीक है एक ही वर्ड्स के डिफरेंस से दो क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो गए देख सकते हैं आप यहाँ पे मतलब आपको ये एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग याद रखना है तो अपरेंट और बर्क आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा 127 ट्वेंटी बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज द वेट रिक्वायर्ड टू फिल कंटेनर ऑफ यूनिट वेट यूनिट वॉल्यूम सॉरी यूनिट वॉल्यूम एग्री दिस इज द राइट एक

एग्रीगेट विच मे कंटेन सम मॉइस्टर इन इन दोर्स बट हैविंग ऑल पोर्स फिल्ड विथ वॉटर अगर सब उसके जो भी वाइट से वो पानी से भर गए हैं तो सैचुएटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट उसको कहेंगे बत्तीस अ Aggregate is one whose the all pores are filled with water and also having its surface weight. Question number 133. The surface moisture of aggregate increases the water cement ratio in mix and thus decrease the strength. Obvious reason. Hai. वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है लार्जर साइज ऑफ कोर्स कोर्स एग्रीगेट लेसर वेरी ड्राई एग्रीगेट आर यूज द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्स इज लाइक टू रिड्यूस सी द बल्किंग इज कोज ड्यू टू

the resistance of aggregate to sudden compressive force is called impact value correct <coughs> 139 the resistance of an aggregate to wear is wear aaya matlab resistance of aggregate to effect hydration of cement and weather <coughs> soundness 141 los angeles machine is It's a bulking factor. Fine sand bulk more than coarser sand. Fine sand bulks more than coarser sand. 148. The fineness modulus of an aggregate is roughly proportional to average size of the particle in aggregate. Average size of the particle in aggregate. 149, the coarser the aggregate.

Is determined by a formula. Accelerate setting of cement and accelerate hardening of cement. 155. The admixture are added in concrete to admixture add karenge to accelerate the rate of setting and hardening of cement. Make the concrete waterproof, acid proof, and reduce bleeding and segregation of mix. D is our right answer. 156 Water cannot be used as a lubricant in a concrete mix. False 157 If sea water is used for preparing concrete mix, it uh, corrodes steel reinforcement, reduce strength, and cause efflorescence also because uh, sea water may.

कैन नॉट इंक्रीज दर्बिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट विदाउट इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो तो भाई यह सेंटेंस गलत हो का ही होगा क्योंकि ठीक है वोर्टर, वोर्टर को के आपको वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी है तो वही एडमिक्सर का काम होता है the standard sand now used in India obtained from

the water-cement ratio may be defined as the ratio water-cement ratio may be defined as like that volume of water to that of cement in a concrete mix and weight of water to that of cement in concrete mix both answers are answer. 164 the rule of water cement ratio was established by the Def Abraham is the man who is the rule of the water cement ratio describe described 165 according to the rule of water cement ratio the strength of concrete wholly depends upon amount of water used in preparation of concrete mix 166 strength of cement concrete increase with increase of water cement ratio is the wrong answer if the strength of cement concrete इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉटर सीमेंट रेशियो तो डिसम्ब स्ट्रक्चर है। है? अगर वॉटर सीमेंट कम हो जाएगा तो यहाँ पे वॉटर कम हो जाएगा तो यहाँ पे आपको हनी कॉम देखने को मिल सकता है ठीक है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द chemical action of water with dicalcium silicate tricalcium silicate and tricalcium aluminate also 169 the development of first 28 days strength is on account of hydration of tricalcium silicate metal of c3s 170 वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर वाटर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल बी लेसमिटी ऑफ कॉन्क्रीट भी कम होगी एंड कैपेलरी वन वाटर सीमेंट रेशियो इज यूजली एक्सप्रेस इन लीटर ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड बैग ऑफ सीमेंट ओके उसको वॉटर सीमेंट रेशियो कहते हैं ठीक है पर बैग कितना आपको पानी चाहिए और एक बेग का वजन कितना फिफ्टी के जी हाई टेम्परेचर लैंक्स द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट डिक्रीज ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा वन सेवेंटी थ्री द कॉन्क्रीट मेक्स इज सेट टू बी वर्क एबल इफ इट हैज कॉम्पेटिलिटी मूवेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो दाइट आंसर वन सेवेंटी फोर

the internal friction between the ingredient of concrete is minimized by using more water adopting coarse aggregates reducing the surface area d is the right answer here 177 for the improvement of workability of concrete the safe of aggregate recommended is

डी इज अवर राइट आंसर कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है यहाँ पे ठीक है द टॉप डायमीटर बॉटम डायमीटर एंड हाइट पूछा है यहाँ पे टॉप में दस सेंटीमीटर बॉटम 20 सेंटीमीटर और राइट 30 सेंटीमीटर इसके डायमेंशन होते हैं 185 इन द स्लंप टेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड 38 एमएम इट्स अ करेक्ट आंसर राइट 186 फॉर हाई डिग्री ऑफ वर्कएबिलिटी द स्लंप वैल्यू शुड वरी बिटवीन 80 टू 100 हाई वर्कएबिलिटी के लिए 187 for a high degree of workability compaction factor is 0.95 the workability of concrete having very low water cement ratio should be obtained by, obtained by compaction factor test 189 vibrated concrete needs less slump value vibrated concrete needs less slump value 190 िटी राइट कॉन्क्रीट विध हाई कॉम्पेक्शनिटी सही आंसर है इसका ट्रू द वर्कबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट बाई स्लम टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज इन एम एम द स्लम टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट इज यूज टू मेजर इट्स कंजिस्टेंसी वॉटर कंटेंट कंजिस्टेंसी िटी कनेक्शन सब वर्ड्स के बीच में कनेक्शन होता है द कॉम्पेक्शन इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ पार्शियल अपन फुल्लीफ द स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट इज सेवेंटी इट्स वर्कबिलिटी मीडियम हाई के लिए नाइंटी टू हंड्रेड था हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है द कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.88 इंडिकेट्स अ मीडियम अगर हाई के लिए कितना चाहिए हाई के लिए चाहिए 0.95 द वीबी टेस्ट इज सूटेबल फॉर कंक्रीट मिक्सजेस ऑफ लो एंड वेरी लो वर्कएबिलिटी सही बात है और इसके टेस्ट रिजल्ट्स किस में आते हैं सेकंड्स में ये भी आपको याद रखना है इसको आल्सो द अनदर क्वेश्चन

198. More water should not be added in concrete mix as to increase water cement ratio. The main object of proportioning concrete is to obtain desired durability, required strength and workability, and water tightness. This is our right answer. IS, uh, as per the IS 459, the concrete mixes are designed into seven grades.

mix is called preliminary test question number 204 in a performing preliminary test the molds required for test specimen should be rigid the mix should be stored in an airtight container and aggregate should be dry D is our right answer after molding the test specimens for triaxial mix are placed in a, at a temperature of to 27 plus or minus 2 degree of Celsius. In order to prepare a test specimen it is a necessary to mix cement and fine aggregate by dry hand, mix the coarse aggregate, mix water to cement

यहाँ पे करेक्ट करना है इसको तो प्रिलिमरी टेस्ट शुड बी रिपीटेड इफ द डिफरेंस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थ्री टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड रिपीट करना होगा अगर डिफरेंस 1.5 न्यूटन पर एमएम से ज्यादा हो जाए तो फॉर मास कंक्रीट इन प्योर एंड अबटमेंट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स इज टू 1.3 जेम 6 इन अ परफॉर्मिंग वर्क टेस्ट

If the 30 excess water is added, the strength of the concrete reduced by पचास परसेंट से उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी अगर आपने पचास परसेंट ज्यादा वॉटर आपने एड किया तो दो greater is bulkage बल्क आंसर है जितना फाइन होगा उतना बल्क ज्यादा होगा 219 सौ उन्नीस कॉन्क्रीट इन विच प्रिलिमरी टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिजाइनिंग द मिक्स इज कोल्ड मैक्सिमम क्वॉंटिटी ऑफ एग्रीगेट पर पचास के जी ऑफ सीमेंट चार सौ पचास का इन कंट्रोल कॉन्क्रीट तो दो सौ बीस यहाँ पे मिनिमम क्वॉंटिटी होगा के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम क्वान्टिटी पूछा था यहाँ पे एग्रीगेट का पर बेग वन बेग सीमेंट विद फोर फिफ्टी के जी द्रीट in which no preliminary tests are performed for designing mix is called ordinary cement ordinary concrete is not used for M20 grade the control concrete is used for the all of the 7 grades concrete mix the water used for ordinary concrete is equal to 5% by weight aggregate plus 30% by weight of cement also 226. ट्वेंटी सिक्स फॉर रेनफोर सीमेंट कॉन्क्रीट लिंटल एंड स्लैब लिंटल एंड स्लैब द नॉर्म नॉमिनल साइज ऑफ कॉस एग्रीगेट शुड बी नॉट एक्सीडेड पंद्रह एम से ज़्यादा वहां पे एक्सीड नहीं होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल ऑफ डिफरेंट इंग्रीडियंट्स ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स कन्फर्म टू आर्बिट्री मैथड ऑफ मिक्सिंग वन जेम फोर जेम पे इसका सही आंसर हो जाएगा 228 फैक्टर विच इफेक्ट द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स को कौन से कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो क्या वाटर सीमेंट रेशियो फाइनेस मॉड्यूल एंड स्लम वैल्यू ऑल्सो अफेक्टेड ऑल्सो अफेक्ट द कॉन्क्रीट मिक्स आर्बिट्री मिक्स मैथड द कोर्स एग्रीगेट आर टेकन ट्वाइस कोर्स एग्रीगेट टेकन सही बात है मैंने आपको पहले ही बताया गया था कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करते हैं वन जेम 2n ये है फाइन एग्रीगेट ये है कोस एग्रीगेट टू टाइम्स यूज करते हैं यहाँ पे कंबाइन एग्रीगेट ऑप्टेन बाय जी रिलेशन विथ ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है डायरेक्ट फॉर्मूला है ये पे टू क्वेश्चन नंबर

Z. Z मतलब यहाँ पे सो है तो यहाँ पे सो का यहाँ पे एक हो जाएगा ये उस साइड जाएंगे तो वहाँ पे P या, बचेगा यहाँ पेगा पे, पे जीरो पे, पे इसकी वैल्यू बीस आएगी ठीक है और अगर आप यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशइट सिक्स तो अगर इसमें से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वाटर की वैल्यू तो यहाँ पे सीमेंट की वैल्यू आपको क्या मिली 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 12 आंसर इस तरीके से इसको सॉल्व करना है छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए 233 थर्टी थ्री द नंबर नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पर क्यूबिक मीटर फॉर वन जेम टू जेम फोर के लिए कितना बैग सीमेंट चाहिए पाँच से छः बैग सीमेंट चाहिए होगा उसके लिए mix with the water cement ratio 0. 7, 0. 0.78 is term is wet mix yes baat hai. indian standard code specify that crushing strength for which mix should be designed laboratory should be 1.25 times the strength of the actual requirement 236 in voids method of determining the quantity of cement paste it is assumed that the void is in Voids in the coarse aggregate are filled by fine aggregate. Volume of fine aggregate required 1 meter cube of coarse aggregate is equal to total volume in a coarse aggregate plus 10% of extra to allow additional voids created by wedging action. See volume of cement paste required 1 meter cube of coarse aggregate is equal to total volume of voids in the fine aggregate plus Pandra percent jada.

तो मतलब तकरीबन पंद्रह बैग आप एक हाइट में लगा सकते हैं और टोटल एरिया आपको कितना यूज करने को मिलेगा एक बैग का एरिया पॉइंट थ्री ठीक है इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आता है यहाँ पे इसको जरा सोल्व करके बताइए मुझे फिफ्टी फोर बाय पॉइंट थ्री इसका आंसर आता है एक सौ अस्सी ठीक है तो सौ अस्सी इंटू पंद्रह करूंगा तो आंसर मेरा जा, आ जाएगा टू सेवन डबल जीरो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से इसको सॉल्व करना है इसमें क्या है तो एक एक जो बैग है वो कितना सरफेस एरिया एक्वायर करती है तो हमारे पास फिफ्टी फोर है तो इसलिए हमने निकाल के देख लिया कि अगर कोई भी एक कमरा है ठीक है तो इसमें अगर एक बैग यहाँ पे रखूंगा तो ये से कितने पाइल्स में यहाँ पे इस तरीके से बना सकता हूँ की हाइट होती है पंद्रह तो निकाल लिया तो मल्टीप्लाई किया टू सेवन डबल जीरो आंसर आ गया प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ऑल कॉन्क्रीट मटीरियल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रपोज एंड एग्रीगेट Reading is called batching. Called batching The importance of batching is to obtain strength, workability, and durability. The D is our right answer. The 249 weight batching is done by spring dial scale, portable weight batcher, and platform weight weighting, weighing machine. D is the right answer. 250 when the batching of material is done by weight. Bucket in which material is to be weighed should be clean throughoutly the weight weighing machine should be leveled before placing the material. The chart should be prepared indicating weight weight of each material by using a use for a different strength of concrete. D is our time the right answer. One gem, two gem four, matching concrete mix volume, ingredient to be. पर बैग कितना रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे पचास के जी तो सत्रह लीटर हमें यहाँ पे फाइन एग्रीगेट एंड वन फोर्टी लीटर यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट चाहिए होगा बी इज द राइट आंसर टू फिफ्टी टू मेजरिंग एग्रीगेट बाय वॉल्यूम वुडन बैच बॉक्स इज कॉल्ड फार्म फर्मा फर्मा कहते हैं उसको तो करेक्ट आंसर है तो पचास लीटर ऑफ एग्रीगेट इनर डायमेंशन ऑफ द फर्मा शुड बी

operation एज लॉन्ग एज इट इज इन ऑपरेशन इज mixing, मिक्सचर टू फिफ्टी सिक्स ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग कॉम्पैक्टिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए 30, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्यू क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम थर्टी मिनट है तो उससे पहले आपको concrete प्लेस कर देना चाहिए ठीक है

So mm ज्यादा होना चाहिए, ना, 80 mm से होना चाहिए mm से कम नहीं अस्सी से ज्यादा नहीं पॉसिबल कम रखने चाहिए मतलब बैंड आपको उसमें कम रखने चाहिए ज्वाइंट जो आप पाइप के ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट के लिए उसमें

should be laid continuously in order to prevent formation of irregularities and unsigned lines 265 placing of concrete should start with wise in reinforced cement concrete slab from one end to sahi baat hai true, is, true hai ye 266 the process of consolidating concrete mix after placing it in a position is termed as compaction when the concrete mix is too wet अगर टू वेट है तो उसका कारण है तो लो डेंसिटी सेग्रीगेशन एक्सेस लेटेंस एट द टॉप लेटेंस में क्या होता है कि जो भी सीमेंट के पार्टी और पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं टू सिक्सटी एट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन इज टू इरेडिकेट एयर होल्स एंड गिव मैक्सिमम डेंसिटी और टू सिक्सटी नाइन The factor which affect the quality of compaction, the density strength of concrete and also durability of concrete D is our right answer for compacting large section of mass concrete in structure the type of vibrator used is a internal vibrator question number 271 for compacting plain concrete or one-way reinforced concrete floor the vibrator uses grid vibrator 272 the slum should not exceed 50 mm When the compacting concrete with vibrator, सही बात है पचास एमएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब आप वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं तो वेन दाइबरेटर आर यूज फॉर कॉम्पैक्शनसीटेंड्स अपॉन प्लेसिंग कंडीशन टाइप ऑफ मिक्स एंडिशेंटीटर सब पे डिपेंड करता है स्लम्प ऑफ मिक्स इज लेस पचास इट विद्रेटर Vibrator. Vibrator ट नहीं करना चाहिए उसको सबसे पहले किया जाता है उसको स्क्रीडिंग बोलते हैं पहले स्क्रीडिंग बाद में फ्लोटिंग और आखिर में ट्रॉवलिंग करते हैं फाइनल ऑपरेशन और फिनिशिंग द कॉन्क्रीट सरफेस इज कॉल्ड ट्रॉवेलिंग आखिर में ट्रॉवेलिंग करते हैं तो आखिरी ऑपरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इरेगुलरिटीज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर द स्क्रीडिंग इज कॉल्ड फ्लोटिंग इरेग्यूलरिटी को दूर करते हैं हम फ्लोटिंग के द्वारा 279 सेवेंटी शुड बी फिनिश्ड ऑन द सेम डे

Concrete properties. All of this is the right answer. After the curing of 28 days, the concrete gains uh, almost 100% strength. The proper curing of cement concrete is good for its uh, wear resistance, strength, and volume stability. Under normal circumstances, the beam pits may be removed after the 7 days. Vertical sides of the column may strip after 1 to

रोड लाइनिंग सब जगह पे प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे डी इज द राइट आंसर है तो ग्लोसी डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है डेंसिटी तो सेप ग्रेडिंग एंड कॉम्पेक्शन सब तो पे डिपेंड करती है तो दोस्तों कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के टू जिसमें हमने अंदर भी बहुत सारे किए हैं मतलब हमने 300 से ही MCQ पे और कुछ राहत मिली होगी और आपका प्रैक्टिस सेशन है इस तरीके से आप इसको कंसिडर कीजिएगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है और आपके नजर के सामने मैंने जो यहाँ पे एद, दो सौ नब्बे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं उससे आपको कुछ आइडिया वो आइडिया आ गया होगा कि क्या आपने पढ़ के रखा है और उसके क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं ठीक है थीके? तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे ही सेशन में आगे लेके ले आता रहूं ठीक है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ बैठ के इस सेशन देखने हैं और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि किस किस कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ठीक है थीके? तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत